डाउनहिल है, एक सौ पचास भाई। मैं कहूँगा देखो इस गाड़ी को ना तुम पूरी तरह एन कह ही नहीं सकते, ये थोड़े कॉस्मेटिक अपडेट्स बोले जाएंगे। ओ भाई ये तो यहाँ पे भी कर रहा है। ओ भाई कितना तगड़ा कर रहा है ये स्टैंड जो है ना भाई। देखो हॉर्न भी तुम देखो ना, जैसे वो सफारी वाला राइड ले रहा था अभी। तो यार एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे भाई हम बैठे हैं क्रेटा एनलाइन के अंदर, और आज की इस वीडियो में ना भाई मैं तुम्हें पूरा इसका ड्राइव करके दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में ना हम भाई देखेंगे कि जैसे ये क्रेटा एनलाइन है, तो जैसे ये एन बैजेस आप लोग को दिख रहे होंगे, ये रेड स्टिचिंग दिख रही होंगी, और परफॉर्मेंस में गिना जाता है जैसे BMW वगैरह का एक्स ड्राइव वगैरह आते हैं और एम स्पोर्ट आते हैं, तो Hyundai अपना एनलाइन देता है। तो आज हम देखेंगे भाई क्या ये सिर्फ नाम की एनलाइन है या सही में भाई इसमें एनलाइन वाली कुछ बात भी है या कुछ मज़ा भी है एनलाइन वाला। तो करते हैं भाई इसको ड्राइव सीधा, और इसका ये स्पीडोमीटर का वो चेंज नहीं होता ये रहा। हाँ ये देखो भाई ये टायर प्रेशर दिखाती है आप लोग को, और इसमें एडैश भी आप लोग को मिल जाता है। एडैश तो बंद ही करना चाहिए। तो अभी देखते हैं भाई कैसी है चलाने में। भाई अभी इनिशियली बताऊँ ना इतनी स्मूथ है, और इसके गेयर बॉक्स इतना अच्छा है ना भाई, DCT गेयर बॉक्स आप लोग को इसमें मिलता है। तो जो गेयर बॉक्स का शिफ्ट है ना भाई आप लोग को फील बिल्कुल भी नहीं होने वाले, ये कब में फील वो कर देगी शिफ्ट आप लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो और भाई इंटीरियर्स की मैं बात करूँ ना, मुझे पर्सनली भाई बेज इंटीरियर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ये थोड़ी परफॉर्मेंस वाली कर रखी है। और तूने वेंटिलेटेड सीट्स चालू करी है भाई, एकदम इंस्टेंट पता चल गया मेरे को, आवाज़ भी नहीं है काफ़ी अच्छा मतलब आ रही है, मतलब फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि हवा आ रही है उसके अंदर से। तो देखते हैं भाई अभी ये जो मोड लगा हुआ है ना भाई इसका, ये इको मोड लगा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग को ड्राइव के ये सारे के सारे मोड चेंज करने के मिल जाते हैं। तो अभी इसका ना सीधा तुम्हें मोड चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई कम्फर्ट में आप लोग को ना ऐसा कुछ मिलेगा, और अभी इसका डालता हूँ स्पोर्ट। भाई स्पोर्ट में सबसे तगड़ा लगता है मुझे पर्सनली ना। तो देखते हैं भाई इसमें थोड़ा सा पंजा देते हैं भाई, इंस्टेंट जो है ना भाई। देखो हॉर्न भी तुम देखो ना, जैसे वो सफारी वाला राइट ले रहा था अभी, जैसे ही मैंने हॉर्न मारा भाई उसने झटके से राइट काट दिया स्टीयरिंग। तो इन मामलों में तो भाई बहुत ही तगड़ी है क्रेटा, जो इसकी वो है ना भाई मज़ेदार है। हाँ सीट से चिपक जाते हैं, सही कह रहा है। जी फोर्सेस जो है ना भाई ये गाड़ी सही में आप लोग को देगी। और भाई एम्बियंस की मैं बात करूँ ना, टच एंड फील जैसे अल्काज़ार अभी चलाई थी ना भाई उसके जितना तो अच्छा नहीं है, बट है ठीक ठाक है देखो मैं कहूँगा। और मैं तुम्हें ना आज की इस वीडियो में इसको सेगमेंट से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि और गाड़ियों के कंपैरिजन में क्रेटा एनलाइन पर्सनली, क्योंकि एनलाइन हम चला रहे हैं तो एन के ही बैजेस का फ़ायदे के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी मैं तुम्हें बताऊँ ना भाई इस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 23 लाख रुपये पड़ती है आप लोगों को, और एन के नाम पर भाई Hyundai जो आपको चीज़ें देता है, जैसे ये थोड़ी इंटीरियर थोड़ा स्पोर्टी बना देते हैं, रूफ इसकी इंटीरियर से ब्लैक कर देते हैं, और थोड़े बहुत और ऐसे ऐसे फीचर्स आप लोग को मिल जाते हैं इस गाड़ी में, जो कि भाई हाँ एन कहलाने के लायक होते हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और जो इसमें एक बहुत सही चीज़ मिल जाती है आप लोगों को वो है भाई इसका एग्जॉस्ट ना नॉर्मल क्रेटा जैसा नहीं है, जैसे क्रेटा 1.5 टर्बो में भी आती है, पर ये एन बेज वाली है तो इसमें अलग होता है भाई, इसमें जो एग्जॉस्ट है ना आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो अभी ना देखो यहाँ पीतमपुरा में तुम्हें पता ही होगा भाई यहाँ खाली रोड्स होती नहीं है, फिर भी भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है ना अच्छी है। अगर मैं थ्रॉटल पूरा भी नहीं दे रहा ना, जब भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे जी फोर से खींच रही है तो है देखो। और एडैश को तुम देख पा रहे होगे अपने आप स्टेयरिंग जो है ना लेन में रख रहा है भाई, ये देखो तुम जैसे ही देख पा रहे होगे। एडैश ऑफ कहाँ से करते हैं, इसी में जाके होगा एडैश ऑफ, ये वाला नीचे वाला। अब भाई मैंने इसका लेन की बस इस ना ऑफ कर दिया है। अच्छा अभी भी ऑन है। ओ भाई ये तो यहाँ पे भी कर रहा है। ओ भाई कितना तगड़ा कर रहा है ये, भाई मैंने कभी नहीं देखा किसी गाड़ी में इतना बढ़िया तरह होते हैं। तुम देख पा रहे होगे भाई 80 लग गई गाड़ी, 100 भी पार हो गई भाई, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, मतलब समझो ये वरना ही है, ऊंची हो गई बस ये गाड़ी। और एन बेजेस की मैं बात करूँ ना भाई, जो तुम किया वगैरह भी लेते हो ना, किया सेल्टोस भी अगर आप लोग को मैं बताऊँ ना भाई, वो आप लोगों को जैसे भाई 18-17 लाख में ना पड़ जाती है किया सेल्टोस। और मैं ना भाई मानता हूँ किया सेल्टोस को ना मैं बेस्ट गाड़ी मानता हूँ इस सेगमेंट की, मुझे किया सेल्टोस बहुत बढ़िया लगती है टर्बो वाली।
और इसके मुकाबले कंपेयर करो ना भाई, 23 लाख रुपए अगर आप लोग इस पे खर्च करना चाहते हो। देखो अगर यही चाहिए कि हमें थोड़े वो चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल लगे गाड़ी वो स्पोर्ट्स के उसमें टर्म्स में, तो ये एन बेजिस का फ़ायदा है, वरना भाई किया सेल्टोस 18-19 लाख रुपए में मिल जाएगी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ऑफर में। और इसकी भी मैं फील की बात बताऊँ ना, इसकी एग्जॉस्ट साउंड जो है भाई वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी आप लोगों को। ये देखो भाई 6000 RPM कितने मजे में जाती है ये। लेन की बस भाई बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, इसको ऑफ करता हूँ रुको। तो भाई मैंने ना ऑटो स्टार्ट स्टॉप कह रहा हूँ, इसका ना लेन की बस ऑफ कर दिया भाई, ये अपने आप को लेन में रखे जा रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था इसमें। तो अभी भाई मैं फील की बात करूँ ना, अमेजिंग है भाई गाड़ी की फील। और तो भाई इसको थोड़ा अभी भगा के देखते हैं, और इसका ना स्टेयरिंग की फील भी अच्छी है, हर चीज़ की फील अच्छी है। देखो हुंडई जो गाड़ी बनाता है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाता है। और भाई तुम सोच के देखो एक बार, कोई ब्रांड ना इस बजट में अपने एन बेजिस वगैरह को नहीं दे रही। तो इसमें जो है ना भाई, मैं तुम लोग को बताऊँ, सिर्फ एक सिर्फ हुंडा ही है जो इस बजट में आप लोग को ना थोड़े परफॉर्मेंस वाली चीज़ें दे रहा है, कि हाँ यार तुम्हारी गाड़ी लगे फ्यूचरिस्टिक लगे, और ऐसा लगे कि हाँ यार ये अप टू डेट है, आज की डेट की गाड़ियों जैसी लगे। तो वो काम सिर्फ भाई हुंडा ही कर सकता है इंडिया में। और भाई इसमें जो मैं बताऊँ ना, अभी तो मैं यू टर्न लेके थोड़ा सा इसको भगा के दिखाता हूँ। भाई तो जैसे ही रेस देता हूँ ना भाई, पीछे वाला बंदा तो पूरा का पूरा पीछे हो जाता है। और अभी ना भाई तुम्हें बताऊँ ना, इसके पैडल शिफ्टर्स देखो कितने बढ़िया तरह काम कर रहे हैं, और ये अपने आप ना डी पे आ जाएगी जब मैं इसके पैडल शिफ्टर्स यूज करना बंद कर दूंगा। तो देखो गाड़ी ना जो है फन टू ड्राइव भी है, और फील भी गाड़ी की अच्छी है, तो ऑलराउंडर गाड़ी है मैं कहूँगा। बस थोड़ी थोड़ी ना एवरेज में आप लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं तो पीछा भाग रहा हूँ बार बार, इसका फिर ऑन हो गया क्या? भाई बोले हाँ ऑन है, नहीं ब्लिंक कर रही है। हद है भाई, हुंडा है रोड नहीं है ना हिसाब से। अब है ऑफ, भाई इसका हॉर्न इतना तगड़ा है ना भाई, और स्टेबल इतनी ज़्यादा ही है। एसयूवी के हिसाब से मैं बताऊँ ना स्टेबल है। तो अभी इसको मैं इसकी सेगमेंट से कंपेयर करके बताता हूँ तुम्हें। इसकी सेगमेंट में भाई काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं आजकल, इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, और क्रेटा ही वो सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का। और मैं तुम्हें सेगमेंट बताऊँ ना भाई, एलिवेट आ जाती है, मारुति ग्रैंड विटारा आ जाती है, ग्रैंड विटारा भाई निश्चल के पास भी है, वो भी ना भाई बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। तो अभी मैं बताऊँ ना सेगमेंट में, अगर आप लोग एक परफॉर्मेंस कार देख रहे हो, और ये चाहिए कि भाई मैं कहूँगा देखो इस गाड़ी को ना तुम पूरी तरह एन कह ही नहीं सकते, ये थोड़े कॉस्मेटिक अपडेट्स बोले जाएंगे। इसके पीछे रीज़न भाई यही है कि अगर देखो, अगर ये पावर ज़्यादा देते क्रेटा में, कि जैसे 160 BHP तो भाई किया भी दे रही है, और इनकी नॉर्मल वाली टर्बो में जाओगे तब भी मिलेगी, तो इंजन को ना भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जब बोला जाता है, जब उसमें सही में भाई पावर ज़्यादा हो बाकी सेगमेंट की गाड़ियों से। तो यही है भाई, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर तो निकालती है, सबसे ज़्यादा फास्ट भी है, सबसे ज़्यादा फील भी अच्छी है, पर वही चीज़ आप लोग को सेल्टोस भी दे देगी, और भाई क्रेटा का नॉर्मल वाला वर्जन भी दे देगा। तो मैं ये बोलूँगा भाई एन लाइन, अगर आप लोग क्रेटा देख रहे हो तो सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स आप लोग को ये लगने वाले हैं सब कुछ, बट मैनुअल भी आता है भाई इसमें। अगर मैनुअल की मैं बात करूँ ना भाई, वो है रियलिटी वाला सीन, जो भाई कहा जा सकता है कि हाँ यार ये है। अब तुम देखो इसके इको मोड में भी ना इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है, और भाई स्टेबिलिटी कितनी तगड़ी है। अब भाई ये स्पोर्ट्स पे लग गई है, और भाई मेरा लग गया है। अब तुम देखना भाई 100, 120 डाउन हिल है, 150, और ब्रेक्स की मैं बात करूं तो हल्का हल्का जटर। भाई कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है यार, तुम सोच पा रहे होगे भाई। स्टेबिलिटी ना जब ही मिलती है गाड़ी में, जब उसकी कुछ सीन होता है भाई, बढ़िया लगती है गाड़ी। तो यही था यार आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।